हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट हम लें इलेक्शन 3-4 साल बाद, जुडिशरी जो है वो इसको पहचान लें कि द कंट्री इज नॉट गवर्नेबल एनीमोर। आज अगर गवर्नमेंट को आप बंद कर दें तो पाकिस्तान में तरक्की शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 190 तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट है दे कम टू असिस्टेंस ऑफ द जुडिशरी और एक काउंसिल बनाएं, काउंसिल में लोग सेलेक्ट करें, अपना टाइम लें, 12-13-14 जो उनसे हैं कोई कैबिनेट एक्सपर्ट्स का सिलेक्ट कर लें। आप कह रहे हैं वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर और अगर हम इस तरह अपने आप को फिक्स नहीं करें जी, एक नाइल आदमी कुछ 60 गाड़ियों के साथ जाकर वो ओवरवेम कर लेता है कोर्ट को और कोर्ट डेट पर डेट दे ही जा रही है और इस तरीके से हम चल रहे हैं। और अगर हम चलना चाहते हैं ऐसे तो ठीक है, अगर इसको जमहूरियत आप कहते हैं और समझते हैं कि ये जमहूरियत है और ये एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, आप इसको चलने दें। इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो शायद ये पूरा का पूरा केस मिलिट्री कोर्ट को रेकमेंड कर दें। ये इस वक्त मेरे ख्याल में जुडिशरी के बस की बात नहीं है, जिस तरीके से चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, जिस तरीके से लोग खरीदे जा रहे हैं। आपको ये नज़र आ रहा है कि जुडिशरी जो है मिलिट्री कोर्ट की तरफ रेफर कर सकती है केसेस को? मुझे नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन तो ज़रूर है कि इसको आप या तो उसको डील करें इसके साथ, और अगर आप डील नहीं कर सकते तो हैंड इट ओवर द मिलिट्री, द होल थिंग हैज़ टू गो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में कुछ तरक्की हो। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके ऊपर लोगों की बहुत क्रिटिसिज्म होगी कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो सी है वो मार्शल लॉ है, जुडिशियल मार्शल लॉ है। मैं इस मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, खुद आप पहचाने कि किस हालात में से हम गुजर रहे हैं। क्या आप पाकिस्तान को ठीक नहीं करना चाहते और आप समझते हैं कि इस सिस्टम से ठीक होगा, इसी सिस्टम से जिसमें एक नाइल आदमी 60 गाड़ियों के साथ जाकर कोर्ट को ओवरवेम कर लेते हैं, इस पे से हमारा सिस्टम ठीक हो जाएगा? मुझे नहीं समझ आती कैसे हो गई। तो ये मैं एक मायूसी से मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई हाल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट है वो एक काउंसिल बना ले, काउंसिल ऑफ एल्डर्स कह लें, प्रोविंसेस के कोई रिप्रेजेंटेटिव हों, उसमें कुछ इंटेलिजेंस के लोग हों, कुछ जो उनसे हर एक इंटेलिजेंस के, मैं कोई ISI MI की बात नहीं कर रहा, सिविल इंटेलिजेंस के वो उनके डिस्पोजल पर हों और डिस्पोजल पर कम अज़ कम हों, और इस तरह के कुछ रिकगनाइज लोग जो कि ये नॉमिनेशन शुरू करें, और ये नॉमिनेशन कुछ भी 60 कुछ भी 100, और वो ये जो काउंसिल है उनकी इंटरव्यूज करे, उनको उनका बैकग्राउंड चेक करे थ्रू देयर इंटेलिजेंस, और सारा कुछ करने के बाद शुड यू नो सिलेक्ट अबाउट 12 पीपल और 13 पीपल और 15 पीपल। हम अपना नैरेटिव कहीं भी बाहर नहीं निकाल सकते। देखें मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अफगानिस्तान में जो मसले मसाइल हो रहे हैं, बाकी जो सिक्योरिटी के इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, पेट्रियस CIA का डायरेक्टर, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ इनस्टेबिलिटी क्रिएट की है अफगानिस्तान में। मैटिस सिटिंग राइट नाउ अभी गया था इंडिया, उसने उनको वार्न किया है कि आप ज़रा TTP के ऊपर हाथ हौला रखें, आप ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चक हेगल, उसने स्टेटमेंट दी थी, ये सेक्रेटरी डिफेंस, उसने स्टेटमेंट दी थी कि ये इंडिया जो उनसे ये ऐसी चीज़ें करता है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, उनको की कोशिश करते हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि हम यहाँ से निकल गए और हमने छोड़ दिया पाकिस्तान को अकेले आफ्टर द सोवियत कलैप्स और वो उसको संभाल नहीं सके, उसने ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें पब्लिकली की। हम ये भी नहीं कहते पर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं बहुत वीक है, इट डजंट एग्जिस्ट, इट सीम्स एज इफ नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, एवरीबॉडी इज पासिंग हिज टाइम। ये जो प्रेशर माउंट हुआ है अमेरिकन्स की तरफ से, वो कहते हैं जनाब के आप इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, सोल सुपर पावर है, उसका झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा हो जाता है, हमें ज़रा थोड़ा सा टाइट किया जाता है हर थोड़े अरसे के बाद। वाई इज़ इट सो के रिलेशंस हमारे साथ अच्छे क्यों नहीं हो सकते? जब उनका इंटरेस्ट होता है उस वक्त अच्छे हो जाते हैं, या नहीं इंटरेस्ट होता है तो ख़राब हो जाते हैं, दिस इज़ द रीज़न या कोई और भी रीज़न नहीं, है? पाकिस्तान और अमेरिका का तो एक्सेप्टेड है कि ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप रहा है, ट्रांसैक्शनल, जब भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ी है तो हमारी रिलेशनशिप उनके साथ
ठीक रही है, चाहे कोल्ड वॉर था, अब हमारी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है हमको। अमेरिका का फोकस हमेशा इंडिया रहा है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में इंडिया को वो चाहता है कि चाइना के खिलाफ इस्तेमाल पिच करे, और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस पर स्पॉइलर रहे। हमारा इंडिया के साथ है ही कुछ और मसला, हमारा कश्मीर का मसला है वगैरह वगैरह, हमारा इंडिया से कोई और इंटरेस्ट नहीं है, बस इसको प्लेबिसाइट करवा लें और ख़त्म हो जाएगी बातचीत। अगर करना क्यों नहीं करवाते, इंडिया किधर करवाना देता है, इंडिया अमेरिकन प्रेशर क्यों नहीं माउंट कर सकते, वो कर सकते हैं, लेकिन यही तो अनफेयरनेस है, दिस इज, इसको रिकॉग्नाइज करें। तो जब उनका इंटरेस्ट होता है, जब वो हमारे पास होते हैं, तो उस वक्त हम क्यों नहीं अपना मुद्दा बयान कर सकते हैं उसको। हाँ, ये हमारी अपनी गलती है, इसलिए कि हम अपना नैरेटिव कहीं भी बाहर नहीं निकाल सकते। देखें, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो अफगानिस्तान में जो मसले मसाइल हो रहे हैं, बाकी जो सिक्योरिटी के इश्यूज हो रहे हैं यहाँ पर, पेट्रियस CIA का डायरेक्टर, उसने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि दे पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ इनस्टेबिलिटी क्रिएट की है अफगानिस्तान में। मैटिस सिटिंग राइट नाउ अभी गया था इंडिया, उसने उनको वार्न किया है कि आप ज़रा TTP के ऊपर हाथ हौला रखें, आप ज़्यादा ही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। चक हेगल, उसने स्टेटमेंट दी थी, ये सेक्रेटरी डिफेंस, उसने स्टेटमेंट दी थी कि जी इंडिया जो उनसे है, ये ऐसी चीज़ें करते हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते हैं, की कोशिश करते हैं। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि हम यहाँ से निकल गए और हमने छोड़ दिया पाकिस्तान को अकेले आफ्टर द सोवियत कलैप्स, और वो उसको संभाल नहीं सके, उसने ऑन रिकॉर्ड ये सारी चीज़ें पब्लिकली की। हम ये भी नहीं कहते, क्यों, मुझे नहीं समझ आते क्यों नहीं कहते। या हमारे फॉरेन ऑफिस में कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं रहा है पिछले 4 साल, और उससे पहले शायद कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन हमने अपना नैरेटिव कहीं बाहर नहीं बताया, और हमारा नैरेटिव बहुत स्ट्रांग है। हमारी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है, जिसको डिप्लोमेसी कहते हैं, बहुत वीक है, इट डजंट एग्जिस्ट। अभी वहाँ पर लंदन में टैक्सियों के ऊपर फ्री बलूचिस्तान लगा हुआ है, और हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, एम्बेसडर को बुला रहे हैं, कोई हमने कोई ऐसी बात आगे की नहीं है। इट सीम्स एज इफ नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, एवरीबडी इज पासिंग हिज टाइम। जिसको आप अपॉइंटमेंट डालें, ही डजंट थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस, वो समझता है कि मैं चल ही नहीं सकता, कॉम्पिटेंट नहीं है लोग, एक कॉम्पिटेंस है, दूसरा लॉस ऑफ कंप्लीट फेथ इन देयर ओन इंस्टीट्यूशन। कोई इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने आपको बताया चल रहा नहीं है, वो कहते हैं कि मैं किस बात पर यहाँ पर शोर मचाना शुरू करूँ, नो इंस्टीट्यूशन इज वर्किंग, तो उसमें देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, कोई पूछ रहा नहीं है कि आप कर रहे क्या है, वॉट इज योर अचीवमेंट, देर इज नो स्टॉक टेकिंग। तो इस तरह डोंट यू थिंक के रशिया के पास भी बहुत न्यूक्लियर वेपन्स थे, इकोनॉमिकली वो फारिग हो गया, एग्जॉस्ट हो गया कोल्ड वॉर में, वहाँ पे उसको सब चीज़ें पैसा उसका निकलना शुरू हो गया, एंगेज हो गया वहाँ पे, तो उसके बाद न्यूक्लियर तो उसको हेल्प आउट नहीं कर सके। नो कोई मुल्क जो उनसे अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर तो नहीं जिंदा से रहता, उसकी सोसाइटी है, उसकी इकोनॉमी है, उसकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो मिलिट्री देखें जी, अगर आप जंग की भी बात करते हैं, द टर्म वॉर एज यू यूज इट एज अ वर्ड, वॉर के तो बहुत बड़े फैसेट्स हैं, उसके अंदर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट वो उसका आखिरी फेज है, और द स्मॉलेस्ट फेज इज द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। वॉर के तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया है, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अंदर इकोनॉमी है, उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं, यू गो फॉर अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। तो हम तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो देयर इज नो गवर्नमेंट, नोबडी हैज गॉट अ पॉलिसी, वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अगर सपोजेडली अगर ये भी नहीं होता, अगर कोई जुडिशरी, कोई अदालत इस किस्म का फैसला नहीं करती कि जी जो एग्जिस्टिंग केसेस, जैसे आपने जिक्र किया कि जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं करप्शन के, अगर वो खुद हैंडल नहीं कर सकती, प्रेशर बहुत है उनके ऊपर, तो मिलिट्री कोर्ट्स को रेफर कर दें, और एक महीने में मांग ओपन ट्रायल हो मिलिट्री कोर्ट्स में भी, और एक महीने में डिसाइड करके मिलिट्री कोर्ट्स दे देंगे। नंबर टू, आपने कहा टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लेके आए, और अगर वो भी ऑब्वियसली नोबडी इज इंटरेस्टेड, मतलब आर्मी इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सॉर्ट ऑफ एडवेंचरिज्म, तो वो कोर्ट्स अगर कर दें तो जनाब फिर ठीक है। अब अगर कोर्ट्स नहीं करती, देन आई रियली डोंट नो, इसलिए कि मुझे यकीन है कि ये सिस्टम, बट यू आर टोटली अगेंस्ट मार्शल लॉ,
नो नो आई एम टोटली अगेंस्ट मार्शल लॉ और अभी भी जो मैं बात कर रहा हूँ इस पर भी लोग डेमोक्रेसी यूर फॉर यूर अगेंस्ट मार्शल लॉ देखिए जी आई एम 101% फॉर डेमोक्रेसी लेकिन बट नॉट दिस सॉर्ट ऑफ लेकिन डेमोक्रेसी तारीफ तो बता दें क्या है डेमोक्रेसी डेफिनेशन क्या है उसकी ये डेमोक्रेसी है कि एक नाहिल बंदा जो उनसे है वो पूरा कैबिनेट लंदन ले जाता है एंड देयर इज एन अनइलेक्टेड पर्सन हु इज इन्फ्लुएंसिंग कंप्लीट गवर्नेंस इन पाकिस्तान इज दिस हाउ इज दिस डेमोक्रेसी तो अगर ये जमहूरियत है तो देन आई एम अगेंस्ट इट लेकिन मैं तो चाहता हूँ एज अ पाकिस्तानी कि हम फ्री हों वी शुड बी लिबरेटेड पीपल आर सोसाइटी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी और ये थ्रू डेमोक्रेसी नॉट थ्रू मार्शल लॉ नॉट थ्रू द मिलिट्री ये मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ अगर मिलिट्री इंटरफेरेंस हो इन गवर्नेंस लेकिन प्रोसेस एक है एक हाईएस्ट एलिमेंट ऑफ स्टेट पावर इज द जुडिशरी वो अगर अपना एक वेट इस्तेमाल करे एंड यूजेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पावर टू इन्फोर्स इट मैं आई एम फॉर इट आखिर हमने मुल्क बचाना है हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बचाना या इस गवर्नमेंट को नहीं बचाना एक मुल्क को बचाना है अब लोग बोलेंगे जी ये ही इज क्रिएटिंग यू नो कंप्लीट ये डूम एंड ग्रूम एंड डूम ये ग्लूम एंड डूम है इसका मैं चाहता हूँ कि प्लीज यार रिकॉग्नाइज इट जिस हालत से हम गुजर रहे हैं ये कोई हालत नहीं है किसी मुल्क की ऐसे हमको ऐसे जिंदा रहे बी लिंपिंग फ्रॉम वन डे टू द अदर एक दिन गिर जाएंगे पिछली दफ़ा आप मेरे साथ थे तो मैंने आपसे पूछा था कि कहा जाता है कि मुल्क में मार्शल लॉ नहीं लग सकता हालात ऐसे हैं प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल प्रेशर्स हैं एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं सो देयर आर सो मेनी थिंग्स तो आपने कहा था कि एक जीप और एक ट्रक की ज़रूरत है मार्शल लॉ लग सकता है देखें बशर उस वक़्त भी आपने जब पूछा था मेरे से इसमें दो पहलू हैं एक है काबिलियत और दूसरा इरादा अब कोई भी फौज अगर दुनिया में हो काबिलियत तो उसके पास होती है उसका तो आप उस पर बहस ही नहीं कर सकते तो टर्की में क्या हुआ कोई लेकिन काबिलियत तो थी ना उन्होंने रोक लिया लेकिन इरादा नहीं था ना इरादा नहीं था अभी यहाँ पर भी इरादा कोई ऐसा नहीं है नज़र नहीं आ रहा कि कोई इरादा है और जितना इस फौज ने अभी पिछले ये दो जो टेन्योर्स हैं ये एक जो चल रहा है उससे पहले वाला सपोर्ट किए जितना फौज ने सपोर्ट किए जमहूरियत को अगर आप इसको जमहूरियत कहते हैं सपोर्ट किया कोशिश की है कि ये चलती रहे जिस तरीके से है इसकी कोई मिसाल नहीं है इसके बावजूद कि हर जो उनसे आईनी रेगुलेशन को वायलेट किया गया है हर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है इसमें जो लेवल ऑफ करप्शन है वो ऐसे जगहों पर पहुँच गए हैं जहाँ पर आपको नज़र भी नहीं आएगा जहाँ पर लेकिन इसी एक दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो एक ये भी प्रिसेप्शन है कि फौज इस वक्त मार्शल लॉ लगा नहीं सकती नंबर वन दूसरा ये है कि फौज जो है वो बाकी जो काम कराने होते हैं हुकूमतों से जो भी हुकूमत हो उससे काम जो भी करवाना होता है वो तो करवा लेते हैं तो ये इस हद तक इस सिचुएशन तक फौज ने क्यों हालात जाने दिए क्यों खामोश रही इसलिए कि मैं समझता हूँ फौज बेनाइन रही है और फौज मेरे ख्याल में ये कोशिश कर रही थी कि अपना वो काम करे फौज दूसरी बात ये फौज एक इंस्टीट्यूशन होते हुए इसका कोई काम नहीं है जजमेंट पास करना कि ये चीज़ क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है वो फौज के दायरे में आती नहीं है लेकिन इस मुल्क में रह रही है फौज सातवीं बड़ी फौज है दुनिया की इट्स अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस कंट्री और उनको नज़र आता है सब कुछ और ये जैसे आपने अभी सवाल पूछा है कि ये चीज़ यहाँ तक पहुँचने क्यों दी है ये फौज को भी महसूस होता है तो मैं समझता हूँ फौज ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाई है हर चीज़ में रिस्ट्रेंट दिखाई है इसलिए कि वो चाहती है कि ये सिस्टम चले कोशिश कर रही है कि सिस्टम चले लेकिन अभी मैं भी चाहता हूँ कि फौज इंटरफेयर नहीं करे ठीक है फौज की इंटरफेरेंस से फौज की इंटरफेरेंस से कोई चीज सही नहीं होगी ठीक ठीक जन साहब कोई भी नहीं चाहता कि फौज इंटरफेयर करे कोई भी नहीं चाहता ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं ना कोई लोग चाहते हैं कि फौज इंटरफेयर करे मैं पॉइंट इज दिस कि देखे कहा यह जाता है कि जनाब फौज ने जो काम करवाना होता है वो करवा ले मैं समझ गया लेकिन इसमें मैं आपको चीज बताता हूँ देखें अगर आप फौज से आप टेलीफोन भी करवाएं इट्स आर्टिकल 6 ठीक है ना अगर आप चलना चाहते हैं कानून के मुताबिक आर्टिकल 6 है एक सेमिनार हुआ था कराची में बस कुछ हफ्ते ही हुए हैं
उसमें चीफ ने कंक्लूसिव रिमार्क्स सिर्फ दिए थे सेमिनार के ऊपर कि हमारी इकोनॉमी सही नहीं हो रही, सही नहीं जा रही, वो गलत बात भी नहीं की। उसके ऊपर इतनी आग लगी है पूरी दुनिया को कि क्या करे, वहां पर चीफ जाकर बोले कि ये तारीफ करें कि इकोनॉमी सही हो रही थी, ये अच्छा हो रहा है हमारा, कि हमारा एक एक्सपोर्ट्स का जो इम्पोर्ट के साथ डिफिसिट है वो इतना ज़्यादा हो गया और हमारे जो रिमिटेंसेज हैं वो $20 बिलियन वो पूरा नहीं कर सकते और कोई तरीका नहीं है और ना कोई बता रहे, ये कैसे होगा। उसके ऊपर अगर चीफ ने रिमार्क पास कर दिए तो नाराजगी किस बात पर है। तो ये तो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि फौज बाकी चीज़ें इन्फ्लुएंस करे, Article 6 को तो एकदम निकाल लेंगे सारे, तो फिर एक और कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी। क्या आप लोग डिफेंसिव पे चले गए, आप लोग फौज वाले? डिफेंसिव नहीं है, ये एक दौर चल रहा है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, कैसे चीजें चल रही हैं। डेमोक्रेसी को भी मौका दिया है, अगर आप डेमोक्रेसी देखते देखते आपने इतना टाइम गुजार दिया कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग आके जीप और ट्रक लेके आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखते देखते इतनी छुट्टी दे दी, इतनी छूट दे दी कि जनाब इस नहर तक पहुंच गए कि हमारी इकोनॉमिक इतनी स्पेस दे दी आपने। तो ये यहाँ पे इकोनॉमिकल इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि जिसपे बोलना क्या, वहां पे तो सामने नजर आ रहा है, दीवार पे लिखा हुआ अभी वो, और वो कह रहे ग्रोथ हो रही है तो वो इकोनॉमी की, तो ये वो तो फज्ड चीज है ना जी सारी, लेकिन रियलिटी चेक तो ये है कि इकोनॉमिकली वी आर गोइंग डाउन एंड डाउन एवरी डे पासिंग बाय। लेकिन उसमें मैं तो खैर फौज के लिए आपको इसका जवाब नहीं दे सकता, और लेकिन मैं मुझे इतना पता है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि फौज अगर एडवाइस भी दे तो Article 6 की बात शुरू हो जाती है कि नहीं जी आप इंटरफेयर कर रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी में इंटरफेयर कर रहे हैं, जी आप इंडिया सेंट्रिक हैं, आप तो हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं करवाने देते, इस तरह की बातें होती हैं, तो फिर फौज इट ईदर हैज़ टू कम फुल वे और इट हैज़ टू स्टे वे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं फौज को? मैं सजेस्ट करता हूँ कि लाइक फुल वे और लाइक स्टे बैक। मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसमें असल में जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट इज द आर्बिट्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वो शुड टेक नोट। आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो दिए हुए इंस्ट्रक्शन है उसके खिलाफ आपने लोन्स कैसे लिए $35 बिलियन, कैसे, हाउ कैन यू डू दैट? आपने उस वक्त कोर्ट से रिजू क्यों नहीं किया जिस वक्त आज आर्मी तो नहीं कर सकती? नहीं चले, आर्मी तो नहीं कर सकती, आर्मी कांट गो टू द कोर्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। लेकिन ये है कि कोई बंदा वैसे उठ के क्यों नहीं गया? सुओमोटो इट्स देयर, चले सुओमोटो क्यों नहीं लिया गया वो फिर आपको कोर्ट से पूछना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोविजन है इस कंट्री में, गवर्नेंस अगर आपने करवाना चाहते हैं तो समबडी हैज़ टू हैव एन ओवरसाइट एंड ओवरवॉच। इन्होंने तो हर कानून को ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस तोड़ दिए हैं, प्रेसिडेंट के पावर्स ख़त्म कर दिए, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं पूरी ज़िंदगी उसको अलेक्ट करते रहे, ही कैन कीप गेटिंग अलेक्टेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। ओबामा याद है ना आपको भी क्या स्टेटमेंट दिया? ओबामा ने कहा था ना वो था कि आई थिंक आई एम द बेस्ट प्रेसिडेंट, लेकिन कानून इजाजत नहीं देता तो वील फॉलो द लॉ, यहाँ पर लॉ चेंज हो जाता है। तो उसमें फिर हमारे पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है जो कि इस किस्म की चीजें जब हो रही होती हैं, इट टेक्स सो मोटो नोटिस एंड नॉक्स इट आउट। देयर शुड बी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एक इसको नॉक आउट करे। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो फिर बिल्कुल बदमाशी होगी कि जो भी बैठा हुआ है वहां पर, यू नो इट्स लाइक वो जो कहते हैं 2 wolves and a sheep हैविंग अ डिस्कशन व्हाट्स फॉर डिनर। तो ये जमहूरियत अगर ऐसे ही है तो फिर द वुल्व्स आर गोइंग टू विन। आप IGFC थे तो आपने 38 किलोमीटर का एरिया आपने खाली कराया था शायद, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर नॉट एज IGFC लेकिन GUC 14 डिवीजन एंड एज IGFC। अच्छा, तो वो क्या उसमें उस वक्त क्यों ड्रोन अटैक्स क्यों नहीं होते थे उस वक्त? नहीं, ड्रोन अटैक्स देखिए, ड्रोन अटैक्स जो थे जिस तरीके से हम ऑपरेट कर रहे थे उस वक्त FC वगैरह में, मेरे ख्याल में हमने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर की थी। अच्छा, उस वक्त जो अमेरिकन काउंटर पार्ट्स वगैरह के साथ थे। अच्छा, कि जी अगर आपको कोई इस तरह का कोई डाउट है आप हमसे बात करें, नो ड्रोन अटैक्स। अच्छा, और so you made yourself clear. ये वो वेरी क्लियर।
ओके और उसमें जब कभी हमें कभी इन्फॉर्मेशन आई थी कोई फॉरेन टेररिस्ट हैं ये है वो है, तो हम हमेशा उस पर रिस्पॉन्ड करके हम उनको या तो अरेस्ट कर लेते थे या कहते थे कि देयर इज नोबडी हियर। उस पर कभी ड्रोन अटैक की जरूरत नहीं पड़ी उस इलाके में। अच्छा, तो ये जो बाकी जो एरिया है जिसके अंदर फ्री मूवमेंट्स हो रही थी वगैरह, इसके अंदर मैं भी समझता हूँ कि जो चीज़ हमको पाकिस्तानियों को समझनी चाहिए, जब सॉवरेनिटी की बात करते हैं, इट कांट बी वन वे सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि सॉवरेन अगर हैं तो फिर उस इलाके के अंदर आप दूसरों को भी अंदर नहीं आने दें। अगर आप आने देंगे तो आप खुद अपनी सॉवरेनिटी को आप यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन सॉवरेनिटी। इस चीज़ को इस तरीके से भी देखें, इट कांट बी जस्ट वन वे। तारिक की कुछ ओपिनियन है और कुछ उनके ख्याल में जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के, उनको कैसे फिक्स किया जा सकता है, उनके बारे में बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद वापस आता हूं। तारिक खान ने कुछ ओपिनियन अपनी दी हैं और कुछ सजेशन हैं उनके पास, उसी को लेके हम आगे चलेंगे। दिल साहब, बॉर्डर की सिचुएशन जो है, जो मुझे समझ आई है अफगान पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की जो सिचुएशन है, उसमें एक जो है जो फ्रंट यार्ड है वो होता है पाकिस्तान के अंदर, बैक यार्ड जो अफगानिस्तान के अंदर है। सो इस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल कर सकते हैं इस सारे बॉर्डर को, पोरस बॉर्डर, देन यू आर ट्राइंग टू फेंस इट, और ये सारी चीज़ें, कैन यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है। रिसोर्सेज की ज़रूरत है इसको कंट्रोल करना। मेरे ख्याल में पाकिस्तान फाइनली इज़ डूइंग द राइट थिंग, क्योंकि बहुत पहले इसको करना चाहिए था। और मैं तो उस वक्त सेंटकॉम में था 2005 में, तो हमने उस वक्त ये प्रपोजल दी थी फ्रॉम देयर कि ये हम कर लें। लेकिन सेंटकॉम में और क्या करते रहे आप? सेंटकॉम में पाकिस्तान की पोजीशन हम करते रहे वहाँ पर। सेंटकॉम में आई वेंट टू सेंटकॉम, आई हैव स्पेंट सम टाइम ओवर देयर, लेकिन वहाँ पे आपका क्या रोल था? मेरा रोल ये था कि वहाँ पर जब मैं गया था तो जनरल एबिजे सेंटकॉम कमांडर था। अच्छा, तो उसने मुझको फॉर सम रीजन ही पुट मी इनटू द सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप। अच्छा, ओके। तो मैं फिर उनके साथ वहाँ पर काफ़ी इंटीमेट प्लान्स वगैरह करता रहा था, तो फिर उन्होंने मुझे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन मुझे दे दिया। अच्छा, सेंटकॉम का। तो सेंटकॉम का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन वाज विद 91 कंट्रीज जो कि हम कर रहे थे। अच्छा, और उसी के साथ हमने टास्क फोर्स 150 एस्टेब्लिश किया था उस वक्त नेवी के साथ। अच्छा, टास्क फोर्स 150 था कि पाकिस्तान नेवी कमांड द फ्लीट ऑफ 30 शिप्स, इंटरनेशनल शिप्स इन द इंडियन ओशन। ओके, तो वो एक बहुत हमने कामयाबी से वो करवाया। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने ले लिया था सेंटकॉम से पाकिस्तान में। अच्छा, और उसमें हमने अपने 9 ऑफिसर्स एस्टेब्लिश किए थे, इंजीनियर्स डॉक्टर्स वगैरह, और उसको हमने वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। लेकिन उसमें फिर कुछ लोग, उनका एतराज़ था कि वहाँ पर गोश्त हलाल नहीं है, लिहाजा वो इट ड्रॉप्ड। तो ये था सबसे अच्छा जो हमारा पाकिस्तान का जो वहाँ पर था वो कैटरीना उस वक्त न्यू ऑर्लींस को लगी थी, तो हमारे बाय चांस उधर 2 शिप्स थे नेवी के जो ऑन कॉल ऑन पोर्ट कर रहे थे। अच्छा, और उन उसी के दौरान तो हमने उनको रीडायरेक्ट कर दिया उधर। वी वर द फर्स्ट टू सेट अप हॉस्पिटल एंड रेस्क्यू, कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशंस न्यू ऑर्लींस के अंदर। अच्छा, तो इट वेंट ऑफ वेरी वेल वहाँ पर। उस वक्त हमारे ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। आपके दौर में F-16 आए थे या उसके बाद आए थे? उसी के दौरान आए थे, वो तो खैर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट था वो जो भी था। लेकिन उस वक्त ये बेल हेलीकॉप्टर्स भी थे और कुछ शिप्स भी हमको मिले थे वगैरह, काफ़ी कुछ उस वक्त चल रहा था उसके दौरान। तो ये था काम सेंटकॉम। अच्छा, अफगानिस्तान बॉर्डर की मैं बात कर रहा था, अफगानिस्तान के बॉर्डर जो है वहाँ पे सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिचुएशन, वो ज़रा समझाए। एग्जैक्ट सिचुएशन ये है कि वहाँ पर देखिए जी, पाकिस्तान को या स्पेशली पाकिस्तान आर्मी को कहते हैं इंडिया सेंट्रिक, लेकिन बाकी सारे इंडिया सेंट्रिक है, पाकिस्तान इतना इंडिया सेंट्रिक है नहीं। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि हम अपने रीजन के अंदर, हमारा इन्फ्लुएंस इतना नहीं है कि हम बाकियों को कंट्रोल करें, ये वो कुछ करें। अफगानिस्तान इस वक्त टोटली इन्फ्लुएंस बाय इंडिया। पाकिस्तान ने $500 मिलियन जब ऑफर किए अफगानिस्तान को, तो इंडिया में अशरफ गनी ने उसको रिफ्यूज़ किया था। उसमें इट वाज़ ऑब्वियसली इंडियन इन्फ्लुएंस। अब वो कह रहे हैं कि जी इंडिया के ट्रक जो उनसे हैं यहाँ से गुजारे, नहीं तो हम नहीं इजाज़त देंगे। वो उनकी मर्ज़ी है, इट वी आर अ सॉवरेन कंट्री, हमारी मर्ज़ी भी, हम किसको यहाँ से गुजारे या नहीं गुजारे, अशरफ गनी के कहने पर तो हम नहीं गुजारेंगे। लिहाजा यहाँ पर जो बॉर्डर का भी है वो भी सिलसिला जो है वो इंडियन इन्फ्लुएंस्ड है।
और कि जी ये ड्यूरन लाइन है और ये हम इसको मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते भाई? ये ड्यूरन लाइन तो 1893 के अंदर ये वैलिडेट हुआ था, उसके अंदर तो किंग ऑफ अफगानिस्तान ऑन रिकॉर्ड है, उसने जो लिखा था कि ये पश्तून उधर चले गए अंग्रेजों के पास, तो लेट देम हैंडल दम, तो रिकॉर्ड के ऊपर है। हिज सन ही रेटिफाइड इट 1919 में, फिर 1921 में। तो इसी तरीके से जो सिविलाइज स्टेट्स हैं वो ये रेटिफिकेशन ट्रीटीज इन्हीं को देखते हैं। उसके बाद 1933 में ये अरंदू में ये फिर हुआ था रेटिफाइड। ये बार बार रेटिफाई हुए लेकिन ये मानते नहीं है। अच्छा चलें जी, हमारे कंट्रोल में जो कुछ है वाटरशेड जो कि ड्यूरन ने बनाया था उस वक्त, ये हमारे कंट्रोल में है, तो अभी ये हमारा बॉर्डर है और हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर समझते हैं। और इंटरनेशनल बॉर्डर के तीन तरीके हैं वैलिडेट करने का। एक तरीका ये है कि पॉपुलेशन को आप देखते हैं, वी हैव 30 मिलियन पश्तूंस, वहाँ पर 10 मिलियन है अफगानिस्तान, तो उस बॉर्डर को हम उन 10 मिलियन की तरफ ले जाते हैं ताकि वो भी यहाँ पर उनका दुख दर्द खत्म हो जाए ना, ताकि पश्तूनों का जो डिवीजन है जिस पर अफगानिस्तान बात करता है वो पूरा हो जाएगा। 30 मिलियन को तो मत ले जाए ना उधर, डिस्प्लेस करें, ठीक है ना, तो ये एक गलत बात है। दूसरा है थ्रू हिस्ट्री, पेशावर हैज गवर्न दिस एरिया लॉन्गर देन काबुल, इस रिकॉर्ड के ऊपर है। तीसरा जो उनसे इसके अंदर लेजिस्लेशन, वो तो आपको मैंने बता दी है, 1956 में या 54 में हाउस ऑफ कॉमन में डिस्कस हुआ था ये, और ये इट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज। तो अब इसकी हम फेंसिंग कर रहे हैं, इसलिए कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान डज नॉट स्टॉप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। हमारे पास वी हैव आई थिंक 500-600 पोस्ट्स, अफगानिस्तान हैज हार्डली एनी, ठीक है, देयर इज नो मैन पोस्ट दैट दे हैव, बलूचिस्तान में तो है ही नहीं उनके, तो वो मैन भी नहीं करते और हमको मैन करने नहीं देते, हमें मैनेज भी नहीं करने देते, हमें फ्रेंड्स भी नहीं बनाने देते, लेकिन हमको कहते हैं कि जी आप कंट्रोल करें, जैसे हमारी जिम्मेदारी है। स्मगलिंग रुक जाती है, क्या होता है स्मगलिंग? आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर वो जो सबसे ज्यादा चीज स्मगल होती है अफगानिस्तान से, दिस ब्लेड्स उधर वहाँ पर ड्यूरिंग तालिबान टाइम, उनको बताया भी था कि जी आप लोग तो शेव नहीं करते, तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन वो हम आपके साथ तो शेव करते हैं। तो ये अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ के जो हमारे जो टीवी वगैरह हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, दे गॉट अफेक्टेड उधर से ये चीज़ें जो अफगान ट्रेड के थ्रू होता है। स्मगलिंग तो बहुत होती है, लेकिन स्मगलिंग से ज़्यादा एक और चीज़ है, अफगानिस्तान का जो कंजर्वेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दुनिया में जो है लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, वो $38 बिलियन है। 70 तो कहते हैं अभी, लेकिन 38 इज द वर्स्ट कंजर्वेटिव, अगर बहुत कम रखें। $38 बिलियन है हमारा डिफेंस बजट, 7 बिलियन 10 बिलियन है। 50% कहां से? कुछ तो ऊपर से चला जाता है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के थ्रू, कैस्पियन रूट्स के साथ थ्रू, कुछ बलूचिस्तान के थ्रू चला जाता है, लेकिन करप्शन की तरह ड्रग्स का भी एक नतीजा है उसका। जब ड्रग्स होते हैं तो उसका एक थ्रोज अप इट्स ओन लाइफस्टाइल, इसमें एक अपना एक पैरेलल सिस्टम शुरू हो जाता है गवर्नेंस का वगैरह वगैरह, और इट करप्ट्स एवरीथिंग। तो ये भी हमारे ऊपर है, इसमें जरूरी है कि हम बॉर्डर को कंट्रोल करें, और हम करेंगे इसको कंट्रोल। व्हाट अबाउट द अदर बॉर्डर जी, हमारा इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे क्या होता रहता है? हर दूसरे दिन पता चलता है जनाब के अगर यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी किसी को टाइट किया जाए, किसी पॉलिटिशियन को, तो वहाँ पे जनाब पता चलता है वहाँ पे फायर खुल गया। या एक तो सर्जिकल स्ट्राइक्स भी वो, हाँ सर्जिकल स्ट्राइक्स कहाँ पे, ये ख्वाब में होती है कैसे होती है? देखिए सर्जिकल स्ट्राइक की तारीफ क्या है, सर्जिकल स्ट्राइक वो है जो कि बाय एयर किया जाते हैं और एक्सप्लिसिट ऑब्जेक्टिव्स, और उस पर कोलेटरल डैमेज कम होते हैं, और इसलिए उसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। हर चीज से उसको जुदा करके, अलहदा करके उसके ऊपर हमला किया, प्रिसाइस उसमें स्ट्राइक्स होते हैं, ये उसको सर्जिकल स्ट्राइक दुनिया मानती है। लेकिन हिंदुस्तान में उसकी शायद तारीफ कुछ और है, वो ये है कि वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर बैठकर कुछ लाइव फायर करके कुछ औरतें भैंसे मारकर उसको सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, इसलिए उसके अलावा और कुछ हुआ नहीं है अभी तक। अच्छा, तो अगर इसी को सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं तो ये करते रहे, लेकिन सिविलियन मार रहे हैं, और इनके लिए सिविलियन मारना आसान है, इसलिए ये लोग उनके नहीं है, ये लोग तो हमारे हैं, हमारा मारना मुश्किल है वहाँ मुसलमान, और वहाँ पर हम नहीं करते ना, इसलिए कि वो भी लोग हमारे हैं, तो हम इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ना इस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कहीं भी करना चाहते। बाकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस शुरू कर देना, कभी उड़ी के अंदर, कभी फलानी जगह पर, और उसके ऊपर फिर बहादुरी दिखा देना, कोई दो तीन औरतें, फिर कोई दो तीन भैंस मार देना कि जी हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर लिए, ये इनका काम है। दिस इज
कोई हालात बेहतर हो सकते हैं कोई मतलब कि या सिर्फ यही इशू है कोर इशू जो है उसको एड्रेस किया जाए तो इंडिया पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते। इसमें देखें पाकिस्तान ने कोई क्रिकेट पिच को अभी तक नहीं उखेड़ा इसलिए कि इंडिया इधर आ रहा था ना, हमने कोई इंडिया के आर्टिस्ट को भेजे बाहर ना, हमने कोई इंडियन को यहाँ पर मुंह काला करके उसको बुक लॉन्चिंग के ऊपर हमने किए जैसे उन्होंने किए। उनका हर एक जो उनसा है पॉलिटिकल मैनिफेस्टो या पॉलिटिकल रिटोरिक के अंदर एंटी पाकिस्तान ज़रूर बातें होती हैं। हमारा कोई भी पॉलिटिकल रिटोरिक के अंदर इंडिया के खिलाफ कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं उनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है मैं बलूचिस्तान में ये कर दूंगा, डोवल जो उनसा है वो कहता है कि पाकिस्तान को चार टुकड़े में कर दूंगा, हमारी तो कोई ऐसी कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं निकली। लेकिन हमारे जो पढ़े लिखे लोग भी हैं जी वी आर इंडिया सेंट्रिक, वी आर नॉट इंडिया सेंट्रिक, वी डोंट वांट टू डू डील विद इंडिया, दैट्स इट, ठीक है ना। इंडिया इज द वन हु इज ऑलवेज कुछ चार हिस्सों में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ईस्ट पाकिस्तान जो उनसे है उसके अंदर उसकी कहानी जो उनसे है वहां पर मोदी जो ही एक्सप्लेन वेरी क्लियरली कि कैसे सबोटाज सबवर्शन की है। ये सारी चीजें नजर नहीं आती लोगों को। So what's the solution? I mean, क्या इसमें CPAC में इंडिया शामिल नहीं होगा, ये शामिल नहीं होना चाहता? CPAC में या उसको रूट्स नहीं मिलेंगे पाकिस्तान से? I don't know about that. मैं तो जाती तौर पर I would not like to give them roots till we don't उनको first. उनको परे रख सकते हैं? क्यों नहीं रख सकते? Why not? They should. इसलिए तो they're worried about CPAC. तो CPAC का असर बहुत होगा पाकिस्तान पर। और कुछ लोग तो हंसते हैं कि जी आप लोग अभी CPAC के बगैर तो आपका और कुछ है नहीं, पर यही है, हाँ है यही है। मैं तो कह रहा हूँ ट्रेड कॉरिडोर है, हमको एक मौका मिल गया, इसको हम अभी ख़राब नहीं करें, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं ख़राब करें। वी नीड टू पुट आर गवर्नमेंट इन प्रॉपर शेप, प्रॉपर सिस्टम्स हैव टू कम इन टू अब्सॉर्ब दिस। ये एक पूरा दुनिया का एक प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट जस्ट अस वगैरह। आपके ख्याल में कितना टाइम होना चाहिए कि आप सिस्टम इन प्लेस करने के लिए, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको कितना टाइम नज़र आता है, कितनी जल्दी या कितनी देर या कोई टाइम स्पेंड दे सकते हैं आप, कितने अरसे के अंदर ये टेक्नोक्रेटिक सिस्टम आना चाहिए? कितने अरसे में ये टुमारो टुमारो इट शुड जस्ट कम इमीडिएटली, इट शुड कम इन। ये तो हम जितने दिन इंतजार कर रहे हैं उतने ही पीछे जा रहे हैं, कोई तरक्की नहीं कर रहे हम। देयर इज नो गुड स्टोरीज दैट यू कैन हियर ऑफ, ओनली बैड वंस। तो आप कह रहे हैं जनाब कि अगर गवर्नमेंट ना हो तो पाकिस्तान ज्यादा तरक्की कर सकता है? टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए और कल आनी चाहिए टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, और वो 3 से 5 साल तक रहनी चाहिए, ठीक है। स्टेबलाइज करें, स्टेबलाइज करें, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करें, इकोनॉमी फिक्स करें, सारी चीजें फिक्स करें, फिर उसके बाद आप कह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया जाए, ठीक है जी। रीराइट नॉट नेसेसरली, इसको मॉडिफाई करें, इसको वो इसमें खामियां हैं वो रिकॉग्नाइज करें, जो खामियां हैं इसमें, जो चीजें की उन्होंने जो अमेंडमेंट्स किए दे नीड टू बी पुट राइट। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं कि जनाब डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस होनी चाहिए, और वो पिछली दफा आपने मुझे बताया था पिछले शो में कि जैसे GHQ हैंडल करता है फौज को, उसी तरह पुलिस को चाहिए कि हैंडल किया जाए, इसी तरह उसका भी एक सिस्टम बनाया जाए तो वो डीपॉलिटिसाइज हो जाए। जो भी सिस्टम हो इट हैज टू बी डीपॉलिटिसाइज्ड। MNAs, MPAs के चिटों के ऊपर पोस्टिंग्स नहीं होनी चाहिए। ये अजीब बात है कि वहाँ पर कराची के अंदर एक IG को काम नहीं करने दे रहे और वो बार बार कह रहे हैं कि जी हमारे अपने मर्जी का होना चाहिए, ये कुछ जमहूरियत का ये वो नहीं बनता ये हक कि जी इट इज़ अ डेमोक्रेटिक राइट दैट वी हैव एन IG ऑफ आर ओन। वाई IG ऑफ पुलिस इज IG ऑफ पुलिस। सो एंड यू ऑल्सो सेड, मैं वाइंड अप करूँ इसलिए मैं सारे पॉइंट्स सामने आपके रख रहा हूँ। आपने कहा जी सऊदी अरेबिया ने एक पॉलिसी चेंज की है, पॉलिसी शिफ्ट की है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसराइल में उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक टाइज सऊदी अरेबिया ने शुरू कर दिए, तो हमें भी रीथिंक करना चाहिए इस पर। मैं रीथिंक कह रहा हूँ रिलेशनशिप टू, जैसे सऊदी अरेबिया अपना पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग कर एड्रेस कर रहे हैं। जहाँ तक इसराइल का है रिलेशनशिप, ये एक प्रोडक्ट है ऑफ फॉरेन पॉलिसी, नॉट ऑफ आइडियोलॉजी। फॉरेन पॉलिसी का एक वो प्रोडक्ट है, और फॉरेन पॉलिसी में क्या हम पैलेस्टाइन को ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं इसराइल से हटकर? कभी यासिर अराफात ने कोई स्टेटमेंट दी थी कश्मीर के बारे में, आपको नहीं, याद नहीं, पड़ता नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी का ये सोच समझ कर जो पाकिस्तान समझता है उसके, अगर वो पैलेस्टाइन को ये सपोर्ट करना चाहती है और इस तरीके से करना चाहती है, देन लेट इट बी देयर वे, आई कैन नॉट कमेंट अपॉन दैट। मैं अपना वो व्यू नहीं दे रहा, लेकिन आइडियोलॉजिकली नो,
I don't think our relationship should be based on ideologies. अच्छा, जन साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. वेखल में जन साहब ने सारी बातें बड़े क्लियरली बता दी और एक पूरा एक इनकी ओपिनियन है कि ऐसे फिक्स की जा सकते हैं हालात, चाहे वो मुल्क के हों, चाहे वो सिक्योरिटी के हों, चाहे वो इकॉनमी के हों. सो सारी चीज़ों का एक ओपिनियन है, उनकी अपनी अपनी सजेशन है, वो उन्होंने आपके सामने रख दी है. लेट्स सी, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि ऐसा होता है नहीं होता. फिलहाल राना मुबशर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.